हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है मैक्रोनी पास्ता, वो भी इंडियन स्टाइल में। मैक्रोनी पास्ता के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम ले लेंगे लगभग एक छोटी कटोरी मैक्रोनी पास्ता। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी पास्ता को पहले से ही उबाल कर रख लिया है। आप बस इतना ध्यान रखेंगे, जब आप मैक्रोनी पास्ता को उबालेंगे तो उसके अंदर आप दो तीन ड्रॉप ऑयल के रख देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। इसके बाद आप इसका बचा हुआ पानी स्ट्रेन कर देंगे, और मैंने यहाँ पर पहले से ही रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ इस तरीके से है। लगभग आधी कटोरी हमारे पास बीन्स होंगी। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी जैसे कि गाजर या गोभी, कुछ भी जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इनको बहुत छोटा छोटा चॉप करके ही डालना है। इसके बाद आप लेंगे लगभग एक बड़ा प्याज, जो कि मैं आप देख रहे हैं मैंने रखा हुआ है। इसके बाद हम लेंगे एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ। देन मसालों में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है, आप सॉल्ट होगा आपका आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, या आप एक छोटी चम्मच सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होगा लगभग दो छोटी चम्मच टमाटो सॉस, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमारा चाट मसाला, और आधी ही छोटी चम्मच होगा हमारे पास गरम मसाला। और फ्राइंग करने के लिए तो ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब हमने कढ़ाई में एक छोटा चम्मच लगभग तेल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद हम देखेंगे कि ये ऑयल हमारा लगभग गर्म हो गया, तो अब हम इसके अंदर अपना प्याज जो है वो डाल देंगे। और आप इसको प्याज को आपको लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। अब प्याज भून गया है तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। और अच्छे से एक बार इसको चलाएंगे, और इसके ऊपर हम बीन्स भी अपना डाल देंगे, या आप बीन्स के अलावा जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और इसके बाद आप इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद आप इसको लगभग कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि ये सारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं। अब आप देख रहे हैं कि हमारी सब्जियां लगभग अच्छे से गल गई हैं, तो अब हम इसके अंदर बाकी मसाले जैसे कि मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम एक बार अच्छे से चला देंगे, और साथ ही साथ हम इसके अंदर अपना टमाटो सॉस डालेंगे जो एक खट्टा मीठा टाइप का फ्लेवर आपको देगा इसके अंदर। अच्छे से इसको मिला लेंगे सॉस डालने के बाद, और इसके अंदर हम फाइनली अपनी मैक्रोनी पास्ता इसमें डाल देंगे और उसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाला पूरे मैक्रोनी पास्ता में अच्छे से लग जाए। तो अब हमारा इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसको सर्व भी कर दिया है प्लेट में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। पर टेस्ट लेने के लिए आपको मेरी रेसिपी देखनी पड़ेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरी डिश जो मैंने बनाई है उसको एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ, एक बार फिर से लौटूंगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरीके से मेरी रेसिपी एंजॉय करती रहिए। बाय।